टिकटॉक के बैन होने के बाद शॉर्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म रिपीटली ग्रो होते जा रहे हैं। ऐसे में इंस्टाग्राम भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जिसकी वजह से हर कोई इंस्टाग्राम पर रील बना के वायरल होना चाहता है। लेकिन अगर आप भी इंस्टाग्राम पर वायरल होना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, या फिर कह सकते हो इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कैसे करते हैं। तो चलिए गाइज, हम सेटअप बाय सेटअप मेथड बताएंगे आपको कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। आपको रील वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बीच वाला जो आइकन है वो रील का है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में दिखाई देगा कैमरे का आइकन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। और यहाँ पर साइड में मिल जाते हैं कुछ ऑप्शन। सबसे ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लाइट भी ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर म्यूजिक पर जाकर अपने हिसाब से कोई भी म्यूजिक सेट कर सकते हो। उसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पर मिल जाता है इफेक्ट का ऑप्शन, आप कोई भी इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो यहाँ पर। तो मेरे केस में मैंने जैसे कि ये वाला लगाया है इफेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर अपनी वीडियो कितनी बड़ी बनानी है यहाँ पर सब कुछ दे रखा हो। जैसे कि यहाँ पर 15 सेकंड है, 30 सेकंड है, 60 सेकंड है और 90 सेकंड भी है। ज़्यादातर जो वीडियो हैं वो 30 से 60 सेकंड के बीच में ही बनती हैं। और यहाँ पर 1x का जो निशान है, यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हो। और इसके नीचे जो ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि आपको दो पार्ट में या तीन पार्ट में डिवाइड करना है वीडियो को, वो सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। अधिकतर वीडियो को सिंगल पार्ट में ही डिवाइड करना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे नीचे जो लास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर अपना टाइमर सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर इजीली अपनी कोई भी वीडियो बना सकते हो आप। यदि आपके पास पहले से ही कोई वीडियो रिकॉर्ड है तो आपको सबसे नीचे जाना है लेफ्ट साइड में, वहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी वीडियो हो। यहाँ से हमने वीडियो को सिलेक्ट किया, अपने हिसाब से आप स्क्रॉल वगैरह कर सकते हो, ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा ऐड का ऑप्शन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने इफेक्ट वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो, जो भी आपको इफेक्ट वगैरह लगाना है। और यहाँ से आपको ड्राइंग वगैरह भी बनानी है तो वो भी बन सकती है, यहाँ पर इजीली बना सकते हो आप। यहाँ पर अपनी इमोजी वगैरह भी सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शेयर और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ डन करने के बाद। यहाँ से मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ से आप अपने चैनल का नाम वगैरह या कुछ भी हेडिंग वगैरह डालनी है तो यहाँ पर वो डाल सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शायरी, क्योंकि हमारी शायरी वीडियो है तो मैंने यहाँ पर शायरी लिख दिया है। अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे इसको, जहाँ भी रखना चाहते हो वहाँ पर आप इसे रख सकते हो। और यदि वीडियो में कोई भी म्यूजिक वगैरह या फिर सॉन्ग वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी सॉन्ग वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में मैंने अपना सॉन्ग वगैरह वीडियो को कंप्लीट एडिट करके रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड आप इजीली कर सकते हो, वो आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, उसके बाद आपको राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोबारा से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी टाइटल वगैरह डाल सकते हो। आपकी वीडियो जिस टॉपिक पर भी हो वो यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद आपको हैश लगाना है। आपका जो भी टॉपिक हो उसके हिसाब से ही आपको टैग भी लगाने हैं इसके अंदर। जैसे कि हमारी शायरी वीडियो है तो हम यहाँ पर शायरी के टैग लगाएंगे। जैसे कि हमारी ये शायरी वीडियो है उसके रिलेटेड हमने शायरी टैग लगा दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। यदि आप इसे अभी अपलोड करना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर आप सेव ड्रॉप पर भी क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस आपको शेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में आपने सीख लिया होगा इंस्टाग्राम पर रील कैसे अपलोड करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में सेटअप बाय सेटअप सिखा ही दिया है। यदि आपको इंस्टाग्राम बनाना नहीं आता है तो वो वीडियो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगी या फिर आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।